एक ओर जहां बाजार में कई रंग और खूबसूरत डिजाइन में राखी मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर इंदौर में रहने वाले अग्रवाल परिवार ने हमारे देश की पुरानी रीति रिवाजों को बचाने का प्रयास किया है। अग्रवाल परिवार ने गाय के गोबर से बनी सुंदर राखियां बनाई हैं। गाय के गोबर को सांचे में डालकर और कुछ राखियों को हाथों से बनाया है। इको फ्रेंडली इन राखियों में कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, जो कि पर्यावरण हित के लिए भी सकारात्मक है। मोती सितारे और कई प्राकृतिक रंगों से बनी गोबर की राखियों को सजाया गया है। इस बार बहनें नई इको फ्रेंडली राखी बांधने के लिए काफी उत्सुक हैं। साथ ही बहनों ने इस बार अपने भाइयों को मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से बचाने के लिए गोबर की चिप उपकार में देंगी। ये राखियां मूलतः शुद्ध जो देसी गोवंश है, भारतीय गोवंश, उसके गोबर से बनी हुई है। गोबर एक हमारे धर्म में पवित्र, जो भारत में है हिंदू धर्म में, उसमें शास्त्रों पवित्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गोबर से बनी हुई जो राखियां है, एक पवित्र रिश्ते का एक पवित्र बंधन के तौर पे भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। और चूंकि क्या है कि सभी का ध्यान आजकल गोवंश की तरफ है कि गोपालन कैसे हो, गो स्वावलंबन कैसे हो, तो इससे जो होने वाली जो राशि प्राप्त जो आय होती है, तो वो सारी आय जो है गौशाला को जाती है। इसमें गोबर का एक जो गुण रहता है वो एंटी बैक्टीरियल रहता है, एंटी रेडिएशन रहता है, तो ये हमारे शरीर में इस सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। हमने भी सभी देखा है कि वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं कि हम जब भी कोई पवित्र कार्य करने जाते हैं तो वहाँ प्राथमिकता गोबर और गोमूत्र को ही दी जाती है। उसके बिना किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं होता है, चाहे वो लिपन से हो या चाहे छिड़काव से हो किसी भी तरह। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखेंगे तो एक ये बहुत पवित्र चीज है पवित्र बंधन के लिए। संजय जी, इसको बनाने के लिए हम देख रहे हैं इसमें और क्या क्या, किस तरह से ये बनाई है, इसको हाथ से किस तरह से बनाते हैं या सांचे से, या इसमें कुछ और भी चीजें मिलाई है ताकि इको फ्रेंडली भी हो और साथ ही साथ जो ये बहुत अलग अलग डिजाइन में भी है, तो इसको किस तरह से बनाते हैं? इसको बेसिकली गोबर को जो रहता है पहले उसको छाना जाता है ताकि उसके अंदर से जो चारा है या कंकर है या पत्थर है या इस तरह से जो भी है, जो बारीक महीन गोबर रहता है, उसको फिर गूंथ के इसको सांचे में ढाल के बनाया जाता। और इसमें जो अन्य सामग्री जो उपयोग की जाती है वो जैसे कांच है या अपने कलर है, जो नेचुरल कलर है उन्हीं का, और रेशम की डोरी के साथ इसको इन सब चीज़ों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें किसी भी तरह का ऐसा कुछ सामग्री नहीं है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। जी, मैं ना गोबर से निर्मित अपने पास राखियां इस बार आई है, देशी गोबर से। मैं यही राखी मेरे भाई को बांधना चाहूँगी और बांधूंगी मैं, तो क्योंकि ये जो है पवित्र भाव जो हमारे मन में है और इसके साथ एक कामना जो है, ऐसा लगता है कि सिद्ध हो गई है। और इस विश के साथ जो हम जैसे मंत्र जाप करते हुए राखी बांधने का अपने यहाँ विधान है, और साथ में अगर ये मिल गया है हमको, एक मिल गई राखी जो अपने पास उपलब्ध है, तो ये बिल्कुल मैं निश्चित तौर पे यही राखी बांधूंगी। और सबसे यही है कि आप लोग भी इस राखी को बांधें और इस भाव को और मजबूत करें, इस बॉन्डिंग को, और पर्यावरण का भी इससे अपना लाभ होगा। और भाई बहन का रिश्ता तो है ही सही, उसका कोई वो नहीं है अपने पास, तो आप ज़रूर इस राखी को उपयोग में ज़रूर लाएँ भाइयों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए।